हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको कहां ले चलता हूं, आपको तो पता है 6.5 करोड़ साल पहले जब इंसान पृथ्वी पर थे ही नहीं और तब पृथ्वी पर राज था सिर्फ डायनासोर्स का। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि डायनासोर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ठंडे इलाकों में भी रहते थे। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि पिछला वीडियो में हमने बात किया नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन में रहने वाला डायनासोर्स के बारे में। आज हम जा रहे हैं दक्षिण की तरफ यानी कि अंटार्कटिक रीजन में साउथ पोल के पास। हमारी पृथ्वी की जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाला लाइन है उसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है और उसके दक्षिण में जो पूरा एरिया है उसे अंटार्कटिक रीजन कहा जाता है। और आज अंटार्कटिक रीजन में सिर्फ एक ही बर्फीला कॉन्टिनेंट फैला हुआ है, जी हाँ अंटार्कटिका। मगर जहां हम जा रहे हैं मेसोजोइक एरा में, तब अंटार्कटिक सर्कल के अंदर सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ कुछ हिस्से थे। इसीलिए जब हम अंटार्कटिक रीजन में रहने वाला डायनासोर के बारे में बात करेंगे तब सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ डायनासोर के बारे में बताना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। आज अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और कुछ रिसर्च स्टेशंस को छोड़कर यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। मगर डायनासोर्स अंटार्कटिका में तब भी रहते थे और आज भी रहते हैं। मेसोजोइक एरा में अंटार्कटिका इतना बर्फीला नहीं था और इतना ठंडा भी नहीं था। उस समय अंटार्कटिका में था जंगल और जंगल में था डायनासोर्स। मगर आर्कटिक के तरह यहाँ पर भी महीनों तक दिन और महीनों तक रात रहता था और सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे भी जाता था। डायनासोर्स को भी अपना लाइफस्टाइल इसके साथ अडाप्ट करना पड़ता था। अगर डायनासोर्स की बात करें तो अंटार्कटिका में पाया गया जो सबसे फेमस डायनासोर है उसका नाम है क्रायोलोफोसोरस। क्रायोलोफोसोरस एक बड़ा सा मांसाहारी डायनासोर था जो 23 फीट तक लंबा हो सकता था। ये करीब 18 या 19 करोड़ साल पहले यानी कि जुरासिक पीरियड के शुरू शुरू में अंटार्कटिका में रहता था। इसका चेहरा पतला और फुर्तीला सा था मगर इस डायनासोर का सबसे देखने लायक चीज़ है उसके आँखों के ऊपर एक क्रेस्ट जो कि पतले हड्डियों से बना हुआ था। इस क्रेस्ट का इस्तेमाल शायद डिस्प्ले के लिए या फिर फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर एक दूसरे को पहचानने के लिए या फिर तीनों काम के लिए था। और इस क्रेस्ट के वजह से ही साइंटिस्ट्स कभी कभी इसे प्यार से एल्विसोरस भी बुलाते हैं, क्योंकि ये क्रेस्ट रॉक एंड रोल सिंगर एल्विस प्रेस्ली का याद दिलाता है। दूसरे अंटार्कटिक डायनासोर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अंटार्कटोपेल्टा। ये अंटार्कटिका से आविष्कार हुआ सबसे पहला डायनासोर है। अंटार्कटोपेल्टा एक एंकाइलोसॉरिक डायनासोर था जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। बाकी एंकाइलोसॉरिड्स की तरह ही इसके शरीर पर कवच जैसे हड्डियों के प्लेट्स थे। यह मीडियम साइज का एक शाकाहारी डायनासोर था जो लंबाई में करीब 13 फीट का होता था। अंटार्कटिका से आविष्कार हुआ सबसे पहला डायनासोर होने के बावजूद अंटार्कटोपेल्टा का नामकरण क्रायोलोफोसोरस के बाद ही हुआ था। इसका कारण यह है कि अंटार्कटोपेल्टा का पूरा स्केलेटन पत्थर से निकालने में ही 10 साल लगे। देखिए, अंटार्कटिका में फॉसिल्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है।
एक तो लगभग पूरा कॉन्टिनेंट साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, और कुछ कुछ जगह जहां पे बर्फ के ऊपर पत्थर है वहां पर भी पत्थर इतना हार्ड है कि उसे आम तरीकों से खोदना इम्पॉसिबल है। इसीलिए पेलियोन्टोलॉजिस्ट भारी भारी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि जैक हैमर्स, रॉक सॉस, यहां तक कि डायनामाइट भी इस्तेमाल करते हैं पत्थर को तोड़कर फॉसिल्स बाहर निकालने के लिए। मोरोसॉरस अंटार्कटिका में पाए जाने वाला एक और डायनासोर था जिसका नामकरण 2016 में किया गया था। ये एक छोटा सा शाकाहारी डायनासोर था जो ऑर्निथोपोड क्लेड का हिस्सा था। ग्लेशियलिसोरस जुरासिक पीरियड के शुरुआत में रहने वाला एक सॉरोपॉड जैसा डायनासोर था। इस डायनासोर का सिर्फ एक पैर का ही फॉसिल मिला है और इसके बारे में हमें अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पता। ट्रिनीसोरा अंटार्कटिका में पाए जाने वाला एक और ऑर्निथोपोड डायनासोर है। 2013 में इसका नामकरण किया गया था। इस डायनासोर का एक पार्शियल स्केलेटन मिला है मगर उसका स्कल नहीं मिला है। ये आकार में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब 5 फीट लंबा। जियोलॉजिस्ट ट्रिनिडाद डियास के बाद इसका नाम रखा गया था। 2019 में अंटार्कटिका से मिला एक नया डायनासोर को डिस्क्राइब किया गया था जिसका नाम रखा गया है इम्पेरोबेटर। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहने वाला एक मांसाहारी थेरोपॉड डायनासोर था। आकार में ये करीब 3-4 मीटर लंबा और इसका शरीर शायद फेदर्स से ढका हुआ था। इस वीडियो को बनाने के समय तक जितने भी डायनासोर्स अंटार्कटिका से आविष्कार हुए हैं उन सबके बारे में मैंने बता दिया। देखिए, ये तो हम श्योरली कह सकते हैं कि इससे भी बहुत ज्यादा बहुत सारे डायनासोर्स के प्रजाति अंटार्कटिका में रहते थे, मगर वहां का वातावरण इतना कठोर है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया वहां पे फॉसिल्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के पास्ट के बारे में और भी बहुत चीजें जानना बाकी है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, उस समय अंटार्कटिक सर्कल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्से थे और ऑस्ट्रेलिया के कुछ फॉर्मेशन से कई सारे डायनासोर्स के प्रजाति के फॉसिल्स आविष्कार हुए हैं जो साउथ पोल के आसपास के इलाकों के ठंडे वातावरण में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के इन इलाकों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला डायनासोर था लियालिनासोरा, जो एक छोटा सा शाकाहारी ऑर्निथिस्टियन डायनासोर था। ये आकार में करीब 3 फीट लंबा था और क्रिटेशियस पीरियड के शुरू में रहता था। लियालिनासोरा के आंखें बड़े बड़े थे तो शायद ये अंधेरी रातों के महीने में भी अच्छी तरह से देख सकता था और एक्टिव रह सकता था। मुटाबुरासोरस ऑस्ट्रेलिया के ध्रुवीय जंगलों में रहने वाला एक शाकाहारी ऑर्निथोपोड डायनासोर था। ये करीब 10 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। लंबाई में मुटाबुरासोरस करीब 7 मीटर का होता था और ऑस्ट्रेलिया का एक शहर मुटाबुरा जहां इसके फॉसिल्स आविष्कार हुए थे उस शहर के बाद इस डायनासोर का नामकरण किया गया है। कुनबारासोरस ऑस्ट्रेलिया का एक एंकाइलोसोर था जो करीब 10 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता था। पेलियोन्टोलॉजिस्ट्स का मानना है कि एंकाइलोसोरस में यह काफ़ी प्राचीन प्रजाति था। कुनबारासोरस का लगभग पूरा स्केलेटन ही मिला है। ये आकार में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था और बाकी एंकाइलोसोरस के तरह ही इसका बॉडी कवच जैसा हड्डियों से ढका हुआ था। ऑस्ट्रेलोवेनेटर इन दक्षिणी ध्रुवीय जंगलों का सबसे बड़ा शिकारी था। लंबाई में ये करीब 20 फीट और ऊंचाई में करीब 6.5 फीट का था। वजन में ये हल्का पुल्का करीब 500 से 1000 किलो का होता था। कम वजनदार होने के वजह से ये शायद एक तेज और फुर्तीला शिकारी था। ऑस्ट्रेलोविनेटर मेगाराप्टरिडे फैमिली का थेरोपॉड डायनासोर था। रिसर्च से ये पता चला है कि इसका हाथ बहुत फ्लेक्सिबल था और शिकार पकड़ने में बहुत मदद करता था। इन इलाकों का एक और रहस्यमय मांसाहारी डायनासोर है टिमाइमस। इस डायनासोर के कुछ पैर के हड्डियां ही मिले हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक टिमाइमस टायरानोसॉरिड फैमिली का हिस्सा है।
इस डायनासोर का एक खास बात यह है कि इसके हड्डियों के अंदर का बोन टिश्यू को स्टडी करके ये देखा गया है कि इस डायनासोर का बोन ग्रोथ हर साल एक पर्टिकुलर समय में धीरे हो जाता था। इसीलिए पेलियोन्टोलॉजिस्ट का मानना है कि अंधेरे ध्रुवीय सर्दियों के मौसम में ये डायनासोर शायद सो जाता था, यानी कि हाइबरनेशन करता था। बस हो गया। साउथ पोल के आसपास जितने सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स आविष्कार हुए हैं सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। और पोलर डायनासोर्स के बारे में इन दोनों वीडियोस को देखकर शायद ये बात आपके दिमाग के अंदर घुस गया होगा कि डायनासोर्स बिल्कुल भी छिपकली जैसे ठंडे खून वाले प्राणी नहीं थे और सिर्फ गर्मियों के जगह में ही नहीं रहते थे। डायनासोर्स हर जगह हर मौसम में साल भर टिके रह सकते थे। इसके आगे किसी ने डायनासोर को छिपकली खा ना बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, वही 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना।